मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खतरनाक मूड को देखते हुए उनके मंत्रियों ने भी अब आक्रामक रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का मंच से शिवराज अंदाज देखने को मिला और उन्होंने मंच से पंचायत के जिम्मेदार कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी कि जनता को लाभ देने में गलती हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। देखिए खास रिपोर्ट। मामा शिवराज की राह पर चले उनके मंत्री, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का सख्त रुख, मंच से कर्मचारियों को मंत्री ने लगाई फटकार, जनता को लाभ देने की मंत्री ने दी हिदायत। दरअसल बड़वानी जिले से सटे ग्राम भवती में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भी मौजूद थे। इसी दौरान एक विधवा महिला ने मंत्री के सामने गुहार लगाई कि उसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। अभी तुम्हारा आज केम होता तो तुम दोनों जाते, मैं गारंटी के साथ तुमको कह रहा हूँ, तुम्हारा कोई जिस विधवा भाई को अगली बार विधवा भाई का काम हो जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए मैं नहीं जानता, हो जाना चाहिए नहीं हो जाना चाहिए हमारे तो कान में बात नहीं उठाई है, जोर से बोली हो जाना चाहिए। अगर अपने अपन मर जाते ना अपनी भाइयों के साथ में इस प्रकार के होता तो भगवान भी नहीं छोड़ता ऐसा, ऐसा काम मत करा करो भाई। ये सरकार दे रही है हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओ भाई मैं तुम लोगों को आज के जा रहा, मैं जाके रिपोर्ट तो करूंगा अभी, मैं क्या मतलब दोनों का नाम लिख, तुमको अगर रहना है तो एक मौका दे रहा हूँ दोनों को, ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है, मुख्यमंत्री बनाया है, ऐसा नहीं है ये मतलब तीन तीन चार चार जिले में दो दो मंत्री जा रहे हैं ये बातें पूछने के लिए, कोई विधवा को कहीं हो रहा है मिला के लिए, विधवा मतलब 30-30 साल हो गई अभी तक तुमको दिखता नहीं कि मतलब हम लोग इनका काम कर दें, क्यों क्यों क्या है कर दोगे कि नहीं, क्यों भाई तू क्या है पत्ते कौन से पत्ते है, कहाँ का रहने वाला, यहाँ का तेरे को अक्कल नहीं है थोड़ी बहुत, ये कहाँ का रहने वाला, क्यों आसपास के लोग तुरंत दिखते नहीं कि किस प्रकार से बीत रही है, कभी देखने को नहीं मिले कैसे लोग काम करा करो भाई, सभी काम में बाधा नहीं आना चाहिए, काम करना चाहिए। अभी मेरे पास दो तीन और ऐसी चीजें और भी आई है, नामांतरण वाली भी है। क्या है तो आपने देखा कि किस तरह से मंच से मंत्री ने कह दिया कि अब योजनाओं का लाभ देने में कोई लापरवाही नहीं चलेगी। वहीं इस पर क्या कहना है मंत्री प्रेम सिंह पटेल का आप खुद ही सुनिए। देखो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर मंत्री लोगों को हर जिले में जाकर, और जिले भी हम लोगों को दिए गए हैं दो दो जिले, कोई को कोई को तीन जिले, क्योंकि समस्या कई लोग भी छिपाते हैं। इसी प्रकार से आज बड़वानी जिले में भौती मेरा कार्यक्रम था, दो महिला 18 साल हो गए विधवा होने का, उनका पेंशन आज तक नहीं मिला, पेंशन का मतलब फाइल नहीं बना, क्योंकि मंत्री जो सचिव होते हैं उनकी लापरवाही से ये काम, ये देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और जो जो इस प्रकार की समस्या आ रही है माननीय हम डायरेक्ट कलेक्टर साहब से जिला पंचायत सीओ के सामने ये बात रखकर हम लोग हर गरीब लोगों को जो सरकार की योजना है उस योजना का लाभ दिलाने के लिए हम लोग 31 तारीख हम हर जिले में जाएंगे, जो समस्या दिखेगी उसको हल करवा के, और हम लोग उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है 30-31 तारीख तक जनप्रतिनिधि मतलब सभी मंत्री लोग जाएंगे, और उसके बाद में मतलब जब ऐसी और भी जिनको नहीं मिला उस पर मतलब मुख्यमंत्री जी ही कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आने की बात कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज बड़वानी।